मौसम की मार इस बार देश का अन्नदाता झेल रहा है। बीते दिनों आई बाढ़ से एक तरफ जहां किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था, जिसका परिणाम स्वरूप इस बार मंडियों में फसल कम आई है और दाना भी छोटा है, वही अब कई दिनों से हो रही बारिश ने एक बार फिर से अन्नदाता की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। मंडियों में पड़ा धान बारिश की वजह से भीग रहा है और किसानों की चिंता को बढ़ा रहा है। बीते दिनों आई बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान से किसान अभी उभरे भी नहीं थे कि एक बार फिर से मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ी है। किसानों का कहना है कि बाढ़ से पहले जो उन्होंने फैसले लगाई थी उसकी काफी नुकसान हुआ था, पर लेकिन अब जब वह कट के मंडियों में आ चुकी है तब भी उनके ऊपर मौसम की मार पड़ रही है। बारिश की वजह से मंडियों में पड़ी फैसले भी भीग रही है। अपनी स्थिति बताते हुए किसानों ने कहा कि पहले तो जो फसल लगाई थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, उसके बाद जब दोबारा से फसल लगाई गई तो बारिश की वजह से धान खराब हो गया और छोटा भी हो गया है। ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और वह सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा देगी। मनदीप सिंह जी, मैं गांव बुजाल से जिम्मेदार हूँ, खेती बाड़ी का मेरा काम है। इसमें जिम्मेदारों का बड़ा नुकसान है जी। जो भी पहले फसल थी, जितनी भी फसल हुई थी, पहले तो कुछ फसल हुई नहीं है, बारिश की वजह से फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। और जब फसल वो हुई है तो वो भी काटने लायक नहीं है, उसके अंदर भी पानी खड़ा, पकी फसल है, उसको काट नहीं सकते। और उससे गिरने का खतरा, अगर वो गिर गई तो फिर भी फसल खराब हो जाएगी। जो भी मंडी में फसल आई हुई है, ये कुछ टाइम पहले की आई हुई है जो पकी हुई थी, और नेक्स्ट टाइम जो आप आज फसल बीजनी है उसके लिए भी जिम्मेदार की जमीन तैयार नहीं है, उसका बेस बिल्कुल खराब हो चुका है, और नेक्स्ट जो फसल है वो भी बीज नहीं जा सकती। मेरे को तो कुछ ऐसा दिखा नहीं जी, कहाँ बंपर फसल है। ये लास्ट टाइम जब सरकार के आंकड़े आएंगे तो वो बताएंगे भी कितनी बंपर फसल हुई है, कितना लॉस हुआ इसमें। राजेंद्र सिंह, खेती बाड़ी करते हैं। इसका तो जी पक्की फसल का बहुत नुकसान है जी, पानी गिर गया, अब इसकी कटाई भी महंगी पड़ेगी और इसमें निकासी भी कम होगी, और इस बरसात पे तो हमको ये प्रॉब्लम है कि अगली फसल की बुआई में भी हमारे काफी प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, ये भी पानी से कट कर आ रही है जी, चैन वाली उससे जी, कंबाइन से है जी। इसमें भी जिम्मेदार का तो नुकसान है जी, डैमेज हो गया दाना, प्रति एकड़ जी 5,000 रुपए का नुकसान है, 5,000 रुपए कटाई दे रहे हैं। सरकार से तो यही उम्मीद है कि जो इसका मुआवजा दिया जाए जी। हमारे पास मल्लाकंड में अनाज मंडी के अंदर अभी तक लगभग 9,000 क्विंटल धान की अराइवल हो चुकी है, और ये हर साल ये जो खरीद की शुरुआत होने से पहले हर साल इस तरह धान आ जाता है, तो इस बार भी इसी तरीके से अब तक लगभग 10,000 क्विंटल धान आ चुका है, और खरीद की शुरुआत होने पर इसकी खरीद सरकार द्वारा कर ली जाएगी। जिन लोगों की फसल को नुकसान हुआ था वो करेंगे, फिर जिनका बचाव हो गया उनका दाना आ गया है मंडी के अंदर। अभी तक तो हम यही मान के बैठे हैं कि सरकार जो एक खरीद है वो 1 अक्टूबर से शुरू कर देगी, और जैसे ही खरीद की शुरुआत होगी वो वैसे ही इसकी खरीद कर ली जाएगी जो अराइवल हमारी मंडी में पड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले की तरह ही सब कुछ प्रोसेस वही है, जिसका पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर होगा उसी की खरीद ई खरीद पोर्टल पर वेरीफाई होने के बाद कर ली जाएगी।